से जंतर मंतर जाने का रास्ता है। हमने इनको दिला दी है छतरी ताकि थोड़ी और धूप से बच सके। ये सिटी पैलेस के लिए इस तरफ जाते हैं और शायद जंतर मंतर के लिए इस साइड होगा। टिकट काउंटर यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। जंतर मंतर का हमको टिकट मिला है 50-50 पर पर्सन और एक बच्चे का 20 रुपीज़। सर्दी के कारण यहाँ पर आज वापस से बहुत भीड़ है। पहले के समय में जब इतने टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे तब ग्रहों, सन, मून, उनकी पोजीशंस के बारे में जानना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था, इसलिए महाराजा सवई जय सिंह ने इसे बनवाया। महाराजा जय सिंह ने 1728 में इसे बनवाया, वही राजा जिन्होंने जयपुर भी बसाया। जंतर मंतर एक संस्कृत वर्ड है। जंतर का जहाँ मीनिंग यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, वही मंत्र का मीनिंग कैलकुलेट होता है। इसलिए हम जंतर मंतर का मीनिंग देखें तो निकलता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैलकुलेट कर सके। हमने यहाँ पर गाइड जी कर लिए हैं जिससे यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उन्हें कुछ समझने की कोशिश कर सके। नाइट में काम करता है, टेलीस्कोप से नक्षत्र स्टार देख सकते हैं। नाइट में जो काम करते हैं यंत्र यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजी डिपेंड होती है खगोल पर, एस्ट्रोनॉमिकल के लिए। लेकिन यहाँ घड़ियाँ जो बनी हुई हैं उनमें जयपुर का लोकल टाइम आएगा, हमारा IST नहीं आएगा। अच्छा। अगर हमें लोकल टाइम में 35 मिनट्स जोड़ देंगे तो IST भी आ जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ कैसे देखते हैं? ये क्या है? स्टीरियोग्राफ। ये 360 डिग्री का राउंड है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की लाइनें खींची हुई हैं। हाँ। होल के नीचे इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा। अब यहाँ सेंटर में टेलीस्कोप लगाएंगे और टेलीस्कोप से यूँ देखेंगे आकाश की तरफ, यूँ टेलीस्कोप लगा के जो भी नक्षत्र स्टार नज़र आएगा उसका सारा डिटेल मालूम होगा कि वो कितने डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर नज़र आ रहा है। अच्छा। उससे कैलकुलेशन करके पंचांग बनता है। टेस्टिंग के लिए रफ किया है, बाद में ये फेयर किया है, वो लोहे का है, ये कॉपर आएगा। तो हमने ये देखा है यंत्र राज जिससे ग्रह नक्षत्र के बारे में मालूम चलता है टेलीस्कोप के थ्रू। ये है नाड़ी वलय। ये जो सर्कल है इस पर सन का लाइट रहता है 6 मंथ जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। अच्छा। अभी सन है बैक साइड में सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा। यहाँ पर सन का लाइट आ जाएगा कल के बाद। कल के बाद क्यों? कल क्यों? क्योंकि कल इक्विनॉक्स है, 21 मार्च, डे नाइट इक्वल। ओके। तो 21 मार्च के बाद समर में इधर रहेगा और विंटर में उधर रहता है। हाँ। क्योंकि हमारा पृथ्वी टिल्ट है, तो मैं चलूंगा अभी सन का लाइट उधर मिलेगा। अच्छा। अभी इधर नहीं है तो यहाँ मालूम हो गया सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक। अच्छा, तो ये अभी यूज नहीं होगा, अभी कल के बाद होगा। लेकिन यहाँ सन का लाइट है अभी तो सूर्य दक्षिणायन में, 21 मार्च के बाद कल के बाद उधर चला जाएगा। और यहाँ जो मार्किंग है वो टाइम है। कैसे? जो लोहे का पेन लगा हुआ ना उसकी शेडो से टाइम देखते हैं। कैसे? ये शेडो आ क्यों नहीं रही? हाँ, इधर दिखाते। ये देखो मेरे हाथ पर, देखो ये पेन का शेडो आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 3:35 लोकल टाइम। हाँ। और प्लस 35 तो IST। ये क्या 10 के? वो तो पल घटी पहर का टाइम है ये। अच्छा, 4 पहर। ये अब का टाइम है, मिनट आवर सेकंड का। ओके। 3:35 लोकल टाइम प्लस 35 IST के लिए। कंपास है, डायरेक्शन मालूम होता है। नाइट में कभी भी यहाँ से देखेंगे ना 8 बजे बाद तो हमें नॉर्थ स्टार नजर आएगा, ध्रुव तारा। इस एरो से नॉर्थ पोल स्टार हमेशा उत्तर में दिखाई देता है, तो ये उत्तर दिशा है। अच्छा। एक दिशा मालूम हो जाएगा तो चारों मालूम होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसलिए इसको कहते हैं ध्रुव दर्शक पट्टिका। ये घड़ी है, यहाँ टाइम कैसे देखते हैं? जैसे दीवार की शेडो से। अच्छा। दीवार का जो टॉप का पॉइंट है उसका शेडो। अब ये शेडो अभी तो यहाँ, लेकिन शाम को 6 बजे वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ये जयपुर का टाइम है, 35 मिनट जोड़ेंगे तो IST आएगा। सही है। 12, 1, 2, 3, 4 तो 3:15, 30 में 1 मिनट कम है। हाँ, ज्यादा है, ज्यादा है। तो 3:31 लोकल टाइम और 35 जोड़ो तो 3:66 यानी 4:6
4-6 है आईएसटी टाइम। देखो 4-6 है लेकिन ये शेडो एग्जैक्ट है शाम को 6 बजे वहाँ, 6 के बाद नहीं क्योंकि सन नहीं रहेगा। 12-6 इधर इवनिंग और 6-12 उधर मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि सन इधर से आता है तो इस दीवार का शेडो उधर पड़ता है। फिर 6 के बाद के टाइम कैसे दिखते हैं? नक्षत्र स्टारों से। फिर यहाँ नहीं, यहाँ धूप घड़ी है। अच्छा, ये धूप घड़ी है। 12 घंटे की घड़ी, 6 घंटे उधर 6 घंटे इधर। देखते कैसे हैं शेडो से, वो जो बीच का शेडो है। यस, ये लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की लाइनें हैं सारी राशियों। मेरे हाथ की शेडो देखो, ये देखो ये नाम लिखे हुए हैं कुछ। ये मोटा लाइन इक्वेटर है मेरे हाथ की शेडो का। हाँ अच्छा। और देखो ये यहाँ लिखा हुआ है मीन राशि, मेरे हाथ का शेडो देखो। तो अभी सूर्य मीन राशि में है, ये प्लेट का शेडो बताता है। और ये इक्वेटर पर ही चल रहा है ना, क्योंकि 21 मार्च को इक्वेटर पर ये मोटा लाइन। लेकिन थोड़ी देर बाद ये शेडो गैप में जाएगा ना नीचे, तो यहाँ नहीं देखेंगे, इसका आधा पार्ट इधर है। यहाँ पर देखो, यहाँ शेडो खाली जगह में, वो रहा मेरे हाथ की शेडो। हाँ। तो इसका मतलब यहाँ का जो खाली जगह है वो वहाँ फैले। अच्छा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा। लेकिन महाराजा ने ऐसा क्यों किया है, खाली जगह क्यों किया है, वाई नॉट वन क्यों बनाए हैं? उधर रास्ता है नीचे जाने के लिए, देखो रास्ता है नीचे जाने के लिए, स्टडी के लिए। अच्छा, अगर खाली जगह नहीं होता तो नीचे नहीं जा सकते थे। नीचे जाके राउंड भी मार सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस और स्टडी के लिए। वहाँ जो हमने दो जगह टाइम देखा था ना, छोटी घड़ी और उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसे ही एक तीसरी घड़ी और है, वो बड़ा दीवाल है ना। हाँ। इसका शेडो सुबह इधर पड़ता है, शाम को उधर पड़ता है। वो देखो शेडो खिड़की में से ही दिख रहा है। हाँ। दीवाल का शेडो, लेकिन 12-6 उधर, 6-12 इधर। लेकिन महाराजा ने ये बड़ा घड़ी क्यों बनाया, मोर एक्यूरेट के लिए, एक्यूरेसी ज्यादा। उस घड़ी की एक्यूरेसी है 20 सेकंड, इस घड़ी की एक्यूरेसी है 2 सेकंड। अच्छा। और हमारा घड़ी की एक्यूरेसी होता है 1 सेकंड। अच्छा। टिक 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 टिक। लेकिन यहाँ सारे यंत्र 27 डिग्री पर है, क्योंकि जयपुर का लेटीट्यूड है 27, हर जगह का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो महाराजा जयसिंह ने एस्ट्रोलॉजर्स की टीम द्वारा बनवाया। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये बृहद सम्राट यंत्र का मॉडल है, और इसको कहते हैं कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सन डायल है जो स्टोन का बना हुआ है। ये वाली बड़ी घड़ी का मॉडल ये अब देखिए छोटा। लेकिन ये है चंद्र राशि लग्नम, जैसे देख ये क्या है, राशियां ये बाहर राशियां, मेरी वाली कहाँ है, मेरी मिथुन इधर है भाई, मिथुन वो लास्ट ही लास्ट में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डिग्रियाँ 360 डिग्री होती हैं, 24 आवर्स में बदल जाती हैं। 1 डिग्री बदलती है 4 मिनट में। बच्चे के जन्म में 4 मिनट्स की एक्यूरेसी चाहिए। यहाँ पर ये डिग्री आ रही है ना, 160, 180, 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
एक मिनट, ये लिखा नहीं है, ये स्टील कार्व किया है इसने, कार्व किया, ये स्टील का टुकड़ा है इसमें जो है यहाँ पर, बिल्कुल। लेकिन यहाँ से जयपुर का ही बनेगा, अगर यहाँ से बॉम्बे या हैदराबाद का बनाना है तो उसके लिए प्लस माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो किसी बच्चे का कुंडली बनवाना है तो तीन चीजें जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। सबसे इम्पोर्टेंट है बर्थ टाइम, 5 मिनट जरूरी। ओके, वेस्टर्न कंट्री फॉलो करता है सन साइन, नहीं बट इससे देखेंगे क्या, इससे मिलेगा क्या? फिर ज्योतिषी लोग यहाँ से 182 डिग्री के हिसाब से फिर ज्योतिषी लोग नक्षत्र स्टार निकाल लेते हैं कि कौन से नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म हुआ है। यहाँ पर ये सभी 12 राशियों के यंत्र बने हुए हैं, हर एक यंत्र एक राशि को डिनोट करता है। अगर हमको एक राशि के बारे में जानना है कि उसमें क्या नक्षत्र चल रहे हैं, कौन से ग्रह की क्या लोकेशन है, तो उस पर्टिकुलर यंत्र को यूज करके जान सकते हैं। लेकिन ये कम्बाइंड है, अच्छा है, दोनों का कम्बाइंड है। ये प्लेट है, प्लेट का शेडो वहाँ है, ये शाम को इधर आ जाएगा, सुबह उधर, लेकिन रहेगा एक ही लाइन पर ही। वो वृष कन्या नीचे सिक्के रखे हुए ना, वहाँ पर वृष कन्या, ये जो लाइन है बीच वाली, जैसे अभी सूर्य जो दोनों लाइन के बीच में है, हाँ, वो लाइन का नाम क्या है, वो लाइन का नाम, वो एरिया का कैंसर क्रॉस कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन ये शेडो सुबह से लेकर शाम तक यही चलेगा, वो मेष तुला लिखा हुआ ना सेंटर में, मेष तुला उसी लाइन पर रहेगा।
तो अभी एरिस राशि में आ जाएगा ये कल से मेष एरिस, उससे पहले था ये वृश्चिक मीन। अच्छा पाइसेस। ये यंत्र क्या दिखाते हैं? यहाँ सन का डिक्लिनेशन देखते हैं, सन का झुकाव। आजकल सन ना तो इधर झुका हुआ है ना इधर सेंटर में, क्योंकि 21 मार्च को सीधा जे नाइट ऊपर। यहाँ पर कैसे चलते हैं? बीच में तो चैनल लगाते हैं उसकी शेडो से। मेरे फिंगर का शेडो देखो, ये सीधा आ रहा है, इसमें लगाओ। हाँ। सीधा ही आएगा। सीधा क्यों आएगा? ओके क्यों? ये रहा शेडो। हाँ, नहीं तो इधर जाता है, इधर क्यों सन इधर उधर होता तो शेडो इधर उधर होता। हाँ। आजकल 21 मार्च और 23 सितंबर को जीरो पर होता है। अच्छा। क्योंकि डे नाइट इक्वल, लेकिन हाईएस्ट इधर उधर कितने डिग्री रहता है? जितना पृथ्वी टिल्ट है 23.5। 23.5 इधर रहता है 22 दिसंबर। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है उसका, ये तो वही है राशियों वाला, ये खाली है। इसमें जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके स्टडी के लिए, दोनों एक ही हैं, लेकिन एंगल दोनों का 27 डिग्री है, क्योंकि इसको लॉक कर दिया है 27 पर। पहले ये टिल्ट होता। अच्छा, इसको झुका देते सन के अकॉर्डिंग। हाँ, स्टडी के लिए। वही मैं कहूँगी ये वर्किंग नहीं है। अब यहाँ पे स्टडी नहीं होती है, फिक्स कर दिया है। एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट आते रहते। अच्छा, ये छोटे अच्छा, हैं वो बड़े? ये बड़े वाले हैं, ये छोटे मॉडल हैं। छोटे हैं फिर बड़े हैं, पहले टेस्टिंग किया फिर बाद में फाइनल किया। पर हम क्या देखते हैं? सन का एंगल, ऑल्टीट्यूड। लेकिन अभी ये यंत्र काम नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ऐसा यंत्र उधर है, क्यों काम नहीं कर रहा? ये जो मिडिल में जो आयरन का पोल है ना। हाँ। इसका शेडो यहाँ गैप में आ रहा है नीचे। हाँ। जब ये ऊपर आएगा तब काम करेगा, जैसे राशियों का देखा। ओके, तो इसका आधा हिस्सा कहीं और बनाए वो उधर। ये गैप क्यों है? खाली जगह अंदर जाने के लिए, स्टडी के लिए। ये बाद में बनाई गई दीवार। अभी सर वहाँ पर है। हाँ। तो जो टॉप का पॉइंट है वो ये है, और शेडो देखो वो वहाँ पड़ रहा है। हाँ। तो ये नंबर लिखे हुए हैं, ये 30 है ना, 30। हाँ, 35। तो वहाँ भी 35 है, 35 नीचे है, तो 30 डिग्री सन का एंगल बन रहा है। अच्छा अच्छा, 45, 50, 55, 90, 0 to 90। वाह, 90 कभी बनता नहीं है क्योंकि हम इक्वेटर पर नहीं। 40, 45, 50, 55, 60, 90 डिग्री। महाराजा जय सिंह, जो खुद भी एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स की हेल्प से इसे बनवाया। उन्होंने पूरे इंडिया में ऐसे 5 जगह पर जंतर मंतर बनवाए, वो हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का ही है और इसके इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी चालू हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स अभी भी स्टडी करने के लिए यहाँ आते हैं। ये सेंटर पॉइंट है जयपुर का, जयपुर का। यहाँ करेंसी एक्सचेंज भी होती है अगर किसी को करवाना हो तो। आपको अगर फोटो खिंचवानी हो राजस्थानी ड्रेस में तो यहाँ से खिंचवा सकते हैं। अभी जस्ट जंतर मंतर देखकर निकले हैं और उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरह से पहले के राजा ने, राजा जय सिंह ने बनवाया था उसको, और किस तरह से वॉच बिल्कुल करेक्ट टाइम बताती है, ग्रह नक्षत्र सब कुछ। तो बहुत ही एक सुपर है कैलकुलेशन किस तरह से होता है। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। गुदगुदी लग रही है, काट रही है। गुदगुदी लग रही है, पहले थोड़ा लगता है काट रही है, बाद में गुदगुदी होती है। अच्छा, डर लगता है। ये लोकल मछली है क्या? नहीं, गारा रूफा कहलाती है, डॉक्टर फिश भी बोलते हैं, गारा रूफा ओरिजिनल है। गारा रूफा नाम इस फिश का, ये डॉक्टर फिश भी इसको बोलते हैं। आई डू नॉट बाइट, आई निबल। इसकी क्या मछली एक अलग ही होती है ये। अच्छा। कोई भी मछली हटा दे वो तो अपने को रिएक्शन कर जाएगी, काटने से तो कोई भी जानवर काटेगा रिएक्शन हो जाएगा। इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, फॉरेन में तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नहीं वहाँ मॉल्स में रखे है। रहते हैं वहाँ पे। आप आ जाइए। नहीं कर पाऊंगी ऐसा लग रहा है। दो मिनट रुको, बहुत ज्यादा जंतर मंतर घूमने के बाद बहुत थक गए और पैर दुखने लगे, क्योंकि इतने दिन से कंटिन्यू अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फिश स्पा करवाने आए हैं, आपने तो अभी वीडियो देखी हुई है।
तो आप अगर आते हैं यहाँ पे और थक गए हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। शॉप में जस्ट हवा महल और जंतर मंतर के बीच में है, मेन रोड पर ही। इसका नाम है क्या, अब नाम है सी के हैंडीक्राफ्ट में फिश स्पा होती है और साथ में सामान भी मिलता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और बहुत गुदगुदी हो रही है मुझे अभी भी लेकिन बहुत रिलैक्सिंग भी लग रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।